पिछले वीडियो में हमने ये लर्न किया था कि OMR शीट को फिल करने के लिए बेसिक हमें मटेरियल क्या चाहिए, कौन सा पेन चाहिए, कौन से प्रिकॉशंस सावधानियां फिल करते हुए हमने रखनी है, सर्कल को फिल कैसे करना है, उसकी स्किल क्या है, और जो रिस्पांस देने हैं साथ में डिफिकल्ट क्वेश्चन को और पेंसिल का प्रयोग ये कैसे करना है, और लास्ट क्वेश्चन तक कैसे पहुंचना है, यूनिट वाइज अप्रोच यूज करनी है, टाइम यूनिट वाली अप्रोच यूज करनी है, ए टू जेड वाली यूज करनी है। तो ये बातें हम पीछे कर चुके हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि डिटेल जो है, डिटेल कैसे फिल करनी है। डिटेल में आता है आपका रोल नंबर, नाम और फोन नंबर, कई बार जो बेसिक डिटेल है वो कैसे फिल करनी है। उसके फिल करने के लिए जो नुक्ते हैं, पहले मैं रिटर्न आपके सामने यहां पर रखूंगा, उसके बाद उसकी डेमो साथ में दूंगा। तो पहला नुक्ता है कि डिटेल फिल करना है, ये हमारे पास फॉर्म है यहां पर, ओके। इसको आप देख सकते हैं, ये रोल नंबर है और यहां पर टेस्ट बुकलेट है, और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, दूसरी भी OMR शीट है, सभी की एग्जाम्पल साथ में दे देंगे। ये रिस्पॉन्स है, क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर रिस्पॉन्स देना है। तो ये बेसिक OMR शीट है। OMR शीट में ये जो चीज़ें फिल करनी है, रोल नंबर और नाम, सिग्नेचर, ये किन बातों का ध्यान रखना है, ये लर्न करने लगे हैं हम इस वीडियो में। पहले रीड कर ले, टॉप से स्टार्ट करना है, इसलिए कि ऑर्डर में चलना है, जो पहली चीज़ आती है उसको फिल करते जाना है। ये चीज़ डिफरेंट है कि रोल नंबर की आपकी कोड जो ये OMR सेट का सीरीज नंबर है, और आपके आंसर बुकलेट, ये जो मेरे पास पड़ी है हर बार यही इसकी इसका ये नंबर होता है, ये देखिए, ये है ना, ये रहा। तो ये नंबर फिल करने ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन हम सभी को इंपॉर्टेंस देंगे। टॉप से शुरू करना है, बराबर पहले आता है, जैसे इस शीट में सबसे पहले रोल नंबर आता है। तो आप टॉप टू लेफ्ट कॉर्नर, मतलब ये जरूरी नहीं है, अगर आपका डायरेक्शन इधर से इधर जाने की आपके माइंड की टेंडेंसी है, क्योंकि मोस्टली इधर से इधर जाने की टेंडेंसी होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ हम लिखते हैं, इसलिए ये टेंडेंसी है, उसी माइंड की टेंडेंसी का प्रयोग करना है जो आप फिक्स हुए हुए हो। मूव सिस्टमेटिकली थ्रू द क्वेश्चन एंड दिस हेल्प्स इन मेंटेन कंसिस्टेंसी फ्लो एंड रिड्यूस द चांस ऑफ स्किपिंग एंड रिपीटिंग क्वेश्चन, ओके। ये हो गया। दूसरा है कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको फिल करना है, ये बात हो गई। टॉप से शुरू करना है और लेफ्ट से राइट से जाना है, जो मोस्टली टेंडेंसी है। अगर आपकी विपरीत है तो आपने वैसे करना है। बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रोसेस ऑफ मार्किंग आंसर, फर्स्ट फिल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो जो पिछली वीडियो है वो इंपॉर्टेंट थी इसलिए, लेकिन ये सिर्फ डिटेल फिल करने की बात इसमें होगी। तो इंपॉर्टेंट डिटेल कौन सी हो सकती है? रोल नंबर है, सेंटर कोड हो सकता है, होता है, टेस्ट बुकलेट नंबर है, टेस्ट बुकलेट और सेट कोड भी उसे बोलते हैं, जैसे ABCD आपका कौन सेट है, अगर आपका सी है तो आपने सी वहां फिल करना है। मोबाइल नंबर, कई बार कई एग्जाम में मोबाइल नंबर लिया जाता है, अगर है तो, ये नहीं कि आपके में वीडियो में ये देख लिया और आपकी क्वेश्चन है, मान लीजिए BEd एंट्रेंस टेस्ट है, CTET है, PTET है, या UGC नेट है, तो उसमें वेरिएशन हो सकती है, जिसमें जो कॉलम है वो फिल करने हैं। सिग्नेचर ऑन गिवन ब्लॉक दिए हुए हैं, सब्जेक्ट अगर फिल करने के लिए कहा जाता है, मदर्स और फादर नेम इफ आस्ड इन गिवन स्पेस वो फिल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास रोल नंबर है, रोल नंबर कैसे फिल करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब वीडियो शुरू होता है, कीप एडमिट कार्ड नियर, आपने नजदीक रखना है, एडमिट कार्ड पर एक्यूरेट रोल नंबर लिखा हुआ है। रिमेंबर फर्स्ट यू आर राइटिंग रोल नंबर इन कॉलम, एक्यूरेटली स्टार दिए हैं, एक्यूरेटली स्टार इसलिए दिए हैं कि जो पीछे बातें करके आए हैं पिछले वीडियो में, कि हमने रीड करते हुए फिंगर का प्रयोग करना है, जहां पेन का प्रयोग करना है, थोड़ी विस्परिंग करनी है और बोलते रहना है, रिपीट करना है, और फिल करते करते जहां फिल करना है वहां तक, जब तक सही नहीं पहुंच जाते तो रिपीट करना है, वो करके बताता हूं। देन रीचेकिंग एंड फिलिंग इन, ओके। नेवर फिल, यहाँ फिल आएगा, फिल डायरेक्टली द सर्कल और बबल। तो एडमिट कार्ड से ये बात पहले पढ़ लें सारी, रीड द रोल नंबर केयरफुली फ्रॉम एडमिट कार्ड, ये बेस्ट बात होगी। थिंक अलाउड, टॉक टू सेल्फ, जैसे होता है विस्परिंग, ज्यादा आवाज नहीं, दूसरों को परेशान नहीं करना। तो यूज चंकिंग, फॉर एग्जाम्पल यूनिट ऑफ टू और थ्री डिजिट्स,
मदर टंग का प्रयोग करना है, जहां जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, जहां जिस भाषा में आपका माइंड ज्यादा समझता है, क्लियर थॉट चलते हैं, उस भाषा में रीड करना है, उस भाषा में। डोंट यूज लॉन्ग यूनिट चंकिंग, जैसे आपने 34, 98 ऐसे बड़े बड़े यूनिट नहीं उठाने। अभी बताता हूँ, अवॉइड वन डिजिट, ऐसे भी नहीं करना, 3, फिर 3 लिखा, 4, 4 लिखा, ये टाइम ज़्यादा लेता है, बेशक एक्यूरेसी है लेकिन कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होती है। चंकिंग इज बेटर, चंकिंग बताता हूँ, छोटे यूनिट बना लेने, बिकॉज इट टेक्स टू मच टाइम। ओके, यूज ब्लॉक कैपिटल और कैपिटल लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये आपकी मर्जी है, आपने लेफ्ट टू राइट जाना है या राइट टू लेफ्ट है, क्योंकि मोस्टली लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे आपका माइंड कंफर्टेबल और उसकी आदत बनी हुई है। यूज फिल नंबर राइट टू लेफ्ट, नॉर्मली नंबर फिल करना है तो इधर से शुरू करके एक्यूरेसी बेटर होती है, पर यह जरूरी नहीं है, अगर आपकी आदत यही है तो आप नंबर भी इधर से शुरू कर सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके लिए। रीड एंड अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन गिवन इन क्वेश्चन बुकलेट केयरफुली, तो आपने उसको इंस्ट्रक्शन सबसे पहले फिल कर लेनी है। अब हम ये करेंगे कि ये डिटेल कैसे फिल करनी है। तो मान लीजिए ये एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपने नजदीक नंबर 1 रखना है, इस शीट है, इस शीट के पीछे, यहां डेमो नहीं हो सकती, इसके शीट के बिल्कुल पीछे यहां रख लिया और यहां आप लिख रहे हो, मान लीजिए एडमिट कार्ड पर ये रोल नंबर लिखा हुआ है, वो इसके पीछे होगा, बिल्कुल साथ में होगा, अगर कंफर्टेबल इधर हो तो इधर भी रख सकते हो, इधर भी आप कंफर्टेबल, और कम्युनिकेशन आपका बेटर कैसे होता है वो जरूरी है। यहां पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लगता है, मैं यहां रखूंगा, लेकिन बोर्ड मेरा यहां पर है। तो सबसे पहले मैंने चंकिंग कर ली, इसको इन ब्लॉक में फिल करना है, ये बात हो चुकी है, यहाँ पर फिल करना है, मैंने चंकिंग कर ली। चंकिंग कितनी तरह की हो, चंकिंग मैंने इसके यूनिट बना लिए, एक मेथड है कि एक 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 को 3 पढ़ा और यहाँ लिखा, 4 पढ़ा यहाँ लिखा, 5 पढ़ा यहाँ लिखा, ये बड़ी टाइम लग गया। दूसरा है कि मैंने लंबी 2 यूनिट इसके बना लिए, तो वो लॉन्ग हो जाता है, वो आपकी एरर करेगा। तीसरा है आप 3 या 2 के ग्रुप बना लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 3 का 2 का ग्रुप ये बन रहा है 34, 58, 77, 68 और 59। ओके, 3 वाला यूनिट बनता है ये, लेकिन ये 3 वाला तभी बनाएं अगर आपका माइंड थोड़ा तेज चलता है न्यूमेरिकल में, ओके, मैथ्स के हो, आपकी एबिलिटी ज़्यादा है तो आप 3 या 4 वाला भी चल सकता है। अगर आप फील लो कर रहे हो कि यार मेरी गलती ना हो जाए, मुझे एंग्जाइटी है, मुझे डर लग रहा है कहीं गलत ना हो जाए, तो आप 2 वाला ही सुजेस्ट करें, तो ये यूनिट उठा लिए, ये मच बेटर है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए 2 वाला यूनिट उठा के चलना बेटर है। दूसरा, अगली बात की थी मदर टंग की, मदर टंग की बात है क्योंकि मदर टंग में कम्युनिकेशन अच्छा होता है। वैसे है मदर टंग इज नॉट एसेंशियल, वो क्या जरूरी है कि जिस भाषा में आपने नंबर सीखे थे, मैंने पंजाबी में सीखे थे, तो मैं इसे क्या करूँगा कि 34, 58, 77, 68 है ना, ऐसे करके इसके बना लूँगा। आपने हिंदी में सीखे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में सीखे हैं इसके, तो हमारी मदर टंग का यहाँ पर फ़ायदा है कि वो इजी करती है, एक्यूरेसी लाती है। तो मैंने अब क्या नुक्ता अपनाया कि इसके 2 वाले यूनिट अपना लिए और मैं उसको देखता हूँ क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पेंसिल या पेन रखा और लिखा 34, है ना, अगर 34 है तभी भी, अगर 34 लेना है, 34, ओके, बोलता रहा। नेक्स्ट है, मैं बोल रहा हूँ ये 58, 34 के बाद 58, देन है 58 के बाद 77, या 77, 68, 68, 68, 68, 59, 59, 59, ओके, एक मेथड ये हो गया। दूसरा क्या है, वो जो कई बार सुजेस्ट किया जाता है, जरूरी नहीं है, आपने वही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल उल्टा शुरू करते हैं, लास्ट है, मुझे ये, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, जैसे 59 लास्ट में 59 पहले फिल किया, 59 उसके बाद, चंकिंग ऐसे की हुई है ना, तो उसके बाद 68
ये रहा 6-8, मैं इसके फेवर में नहीं हूं क्योंकि मुझे तकलीफ होती है, अगर आपको नहीं होती तो आप यूज कर सकते हो। 7-7, 7-7, 5-8, साथ में मैं तब चंकिंग कर रहा हूं और चंकिंग करके साथ में बोलता रहा हूं 5-8, 5-8, 5-8, 5-8, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, ऐसे भी हो सकता है। तीन वाला ऐसे हो सकता है, पहले यहां पर आपने फिल कर लिया 3-4-5, 3-4-5, 3-4-5, अगर कॉन्फिडेंट ज्यादा हो 8-7-7, 8-7-7, 8-7-7, 6-8, 6-8, है ना, यहां गड़बड़ लगी, मैंने छोटा कर लिया 5-9। तो ऐसे बोल के नजदीक रख के अपनी मदर टंग में और चंकिंग करके, जैसे भी 3 और 2, 2 मैं ज्यादा सुजेस्ट करता हूं। जैसे यहां पर 3 और बाद में 2-2 में आना पड़ा, ये भी कई बार एरर कर देती है। दैट इज वाई फिक्स रही है कि मैंने 2 ही उठाने हैं, पक्का पक्का ऐसे कर लीजिए। ओके, अब ये फिल कर लिया, यहां पर नीला पेन है या रेड पेन है, जो इंस्ट्रक्शन में आपके ब्लैक पेन दिया गया है उसी से फिल करनी है। अब इसके नीचे नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, है ना। तो जो डिजिट है, एक तो अप्रोच ये है कि सभी ब्लॉक, जैसे रोल नंबर है, कोई और शीट है, उसको फिल कर लीजिए, बाद में इसको फिल कीजिए, एक अप्रोच ये है। दूसरी है कि इसको फिल करके साइड बाय साइड आप फिल कर लीजिए साथ साथ में। मैं ये सुजेस्ट करूंगा कि आप पहले ब्लॉक और कैपिटल लेटर में इन सभी ब्लॉक्स को, बेसिक डिटेल को देख के फिल कर लें, क्योंकि आपका एक काम जो है खत्म हो जाएगा। ये रहा आपका टेस्ट बुकलेट नंबर, मान लीजिए टेस्ट बुकलेट नंबर है, तो मैंने फिर चंकिंग कर ली और यहाँ पर वैसे ही लिखा, ये रहा नीला पेन लेके इसकी चंकिंग कर ली 2। ओके, कुछ भी है, मैं फिक्स ही रहा, मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, 2-2 की रख ली और मैंने 2 पहले 0-0 बोलता रहा, 0-0, 3-2, 3-2, फिर है 6-7, 6-7, मैं वहां से देख के पढ़ रहा हूं ना, आपने उसको नजदीक रखना है और आना है, और 9 मैं बोल रहा हूं, ये फिल कर ली। ऐसे आप बेसिक ये न्यूमेरिकल पहले सारे फिल कर लीजिए, जो भी है, ये टेस्ट बुकलेट हो गई, ये कोड हो गया उसका, ये आपका सेट हो गया, मान लीजिए सेट आपका बी है, यहां पर आप बी लिखोगे ऐसे बीच में ही, सब्जेक्ट है कोई आपका, उसका कोड है सब्जेक्ट का, जैसे 009 मान लीजिए है, तो यहाँ पर आप 009 बोल के लिखोगे, तो नाम तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, आप उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में लिखते हैं वैसे ही लिखोगे, TIRATH, एक खाली छोड़ूंगा ब्लॉक, SINGH, ऐसे सारी इंफॉर्मेशन आपने फिल कर ली। अभी इन सर्कलों को फिल नहीं कर रहे, इन सर्कल को तभी फिल करना है, जो इंफॉर्मेशन ये फिल कर ली है इसको एक बार वेरीफाई करना है, रीकन्फर्म करना है कि सब कुछ ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हो गया, अपना एडमिट कार्ड सामने रख के सभी डिजिट को मैच करके देखना है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जब वेरीफाई हो गई है, मैंने कन्फर्म कर लिया कि मेरा रोल नंबर बिल्कुल यहाँ ब्लॉक में ठीक फिल हुआ है, तो फिर मैं यहाँ जाऊँगा, बोल के पेन को साथ, सॉरी फिंगर को साथ रखोगे, अब पेन नहीं रखोगे क्योंकि टच हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर 3, 1-1 को अब उठाना है, 3, 3, यहाँ पर 3, और 3 को सर्कल के बाहर ऐसे पहले फिल करके अंदर ले गए। अगर आपको अंदर से बाहर की तरफ राउंड जाना ठीक लगता है वो कर सकते हैं। एक तरीका और ये भी है, ये भी है कि आप 3 के बाद, अगर बड़ी तेजी है तो 3 के बाद 4, 4, ये ऐसे करके साथ साथ में आ रहे हैं, यहाँ 4 ये हो गया, आप आधा अधूरा छोड़ रहे हो अगर तेजी है तो, अदरवाइज साथ साथ में फुल फिल कर दीजिए। 5, ये 5, 5, 5, ये 5, यहाँ पर बाहर में सर्कल कर दिया, और 8, 8, 8, मेरे हिसाब से आप साथ साथ में ही फिल कर दो तो अच्छी बात है, बाकी आपको कंफर्टेबल जैसे लगता है वैसे आप कीजिए, क्योंकि आपका आप डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, लाइफ का और एग्ज़ाम का नुक्ता यही है,
सेवन सेवन, यहां मुझे कन्वीनियंट लगा कि दोनों सेवन है, सेवन सेवन, ये रहा सेवन, ये रहा सेवन, मैंने निशान लगा दिए, उसके बाद फिल कर दिया पूरा, और ये भी निशान लगा दिए, फिल कर दिया पूरा। सिक्स सिक्स, ये रहा सिक्स और सर्कल कर दिया, एट एट, ये सर्कल पूरा कर दिया, फाइव ये कर दिया, नाइन ये रहा नाइन। ओके, तो इसको बाद में ऐसे आराम से, क्योंकि अब चिंता की बात नहीं, अब स्किल की बात है कि अब अपने स्किल अच्छी तरह से फिल करना है। टेंशन वाली बात, जो एक्यूरेसी वाली बात थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आपने सभी कॉलम जो है डिटेल के फिल कर देने हैं। अगर आपको लगता है, देखिए कि यहाँ कोई खाली है, ये लगता है थोड़ा सा इधर से कम फिल हुआ, ये रहा, ऐसे इसको गोल कर देना है, ठीक है, ओके है, फाइन है। तो ये हो गया आपका रोल नंबर। ऐसे ही आपने फिल कर देना है, यहाँ पर ब्लॉक लेटर में लिखा होगा टेस्ट बुकलेट, फिर से चेकिंग कर लेनी है और फिल कर देना है, अगर टाइम है, हो गया ओके, देन टेस्ट बुकलेट कोड ए बी सी डी, है ना, ए यहाँ लिख दिया और उसका ब्लॉक जो डॉट जो भी ऑप्शन है आपकी। डिक्लेरेशन है, आई डिक्लेयर द पर्टिकुलर एंड सिग्नेचर ऑन द ओएमआर शीट एंड माइन आर द सेम एज अटेंडेंस शीट, आई फर्दर डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर फील्ड इन एंड सिग्नेचर एज वेल एज द सर्कल डार्कन ऑन दिस ओरिजिनल कॉपी इज सेम एज इन ऑफिस कॉपी। ओके, नीचे कई बार कार्बन कॉपी रखी होती है। अच्छा, कई बार मदर्स नेम फादर्स नेम वैसे लिखना होता है इन रनिंग हैंड, है ना, तो वो आपने ऐसे ही लिख देना है बलविंदर, यहाँ साफ साफ लिखना है, यहाँ इसको कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब अगर है तो वो लगा देना है आपने, वो आपको देंगे। ये बहुत कम एग्जाम में होता है, घबराना नहीं है अगर आपके में नहीं आया। सिग्नेचर होंगे इनविजिलेटर के, आपकी प्रेजेंस में आएंगे, वो सिग्नेचर करेंगे, और आपके सिग्नेचर भी होंगे उनकी प्रेजेंट में, आपने सिग्नेचर करने हैं। नॉर्मली ये एडमिट कार्ड पर होते हैं, उसकी स्लिप ले लेते हैं, अगर यहाँ पर है ओएमआर शीट पर तभी आपने ये फिल करना है। से आपने ये डिटेल सेंटर कोड टेस्ट बुक नंबर टेक्स्ट बुकलर और सेट कोड ए बी सी डी मोबाइल नंबर सिग्नेचर और सब्जेक्ट मदर नेम अगर है तो आपने फिल कर देने हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओएमआर शीट के ये चार वीडियो हैं, एक कंबाइंड वीडियो आएगा कि मैं क्या करूंगा, अगर मैं होता तो मैं क्या करता, तो वो बताऊंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस हर हालत में कर लेनी चाहिए। ये कुछ एक आपको मैंने बार बार कहा है कि टेलीग्राम पर ये ओएमआर शीट के पीडीएफ होगी, प्रिंट निकालिए और उसके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बेटर रहेगा, क्योंकि आगे चल के आपने हायर टेस्ट भी देने हैं। फॉर एग्जांपल बीएड एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो तो टीईटी देना है, सीईटी देना है, सीटेट देना है, नेट देना है, कोई भी, है ना, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए, मतलब सचमुच में क्वेश्चन बुकलेट कोई पुरानी लेके उसको फिल करके देखिए, थोड़ा सा, बेशक पूरा नहीं करना, प्रैक्टिस अगर एग्जाम लाइक कंडीशन में करते हैं तो ये बेटर है। फॉर एग्जांपल आप एक कमरे हैं, बैठे हुए हैं, इतना कोई वैसे नहीं करेगा, एक डेस्क पर ही बैठना है, है ना, टाइम सेट करना है, प्रैक्टिस फिलिंग ओएमआर शीट एंड गेट अकस्टम टू ए एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट। तो ये ऐसा करके अगर बहुत ज़्यादा आपका वो टेंशन वाला काम है, ऐसे किया जा सकता है। इंस्ट्रक्शन जो अपडेट होती है ऑनलाइन, उसके साथ अपडेट रहना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कुछ एक दी हुई हैं, यहाँ दिखा ही देता हूँ, उस पर अलग वीडियो भी बना दूंगा। उन्होंने ये डेमो दी हुई है कि ऐसे फिल नहीं होना चाहिए, सर्कल जैसे ये रॉन्ग है, ये राइट है। ओके, ये बातें वैसे हो चुकी हैं, नंबर कैसे फिल करना है, इस बच्चे ने जैसे फिल किया है नीटली फिल नहीं हुआ है, पेन का प्रयोग अच्छी तरह से करना है कि सारा फिल हो जाए, ये पूरा फिल है, राइट है, ये रॉन्ग है, क्रॉस्ड है, क्योंकि अधूरा फिल्ड है। कई बार आपके सिग्नेचर होते हैं तो इस ब्लॉक के बीच में ही होते हैं, अगर फादर्स नेम लिखना है इसके बीच में ही लिखना है, सिग्नेचर तो आपके होते ही हैं। फॉर एग्जांपल कैंडिडेट है तो जैसे भी आपके सिग्नेचर हैं इसके बीच में ही रहने चाहिए, बाहर नहीं आने चाहिए। मदर्स नेम है तो ये भी उसके बीच में ही रहना चाहिए। क्रॉस नहीं लगाना, ये बातें हो चुकी हैं। टिक नहीं लगाना, ये भी बातें हो चुकी हैं। तो अगर कोई और डाउट है पूछ सकते हो। डॉक्टर धीरज सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।